नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। माँ दुर्गा की झांकियों का कार्य अंतिम दौर में, शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। द खबरदार न्यूज़ ने विदिशा के ग्यारसपुर में झांकियों के मूर्तिकारों से चर्चा की। इस चर्चा में जाना कि इस वर्ष कोरोना काल में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कितनी क्या लागत आई तथा उन्होंने किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया। मूर्तिकारों ने बताया, इस वर्ष डेंटिंग पेंटिंग से लेकर मूर्ति बनाने में उपयोग की गई सामग्री काफ़ी महंगी मिली। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष झांकियों का निर्माण कम किया गया है। गृह मंत्रालय के गाइडलाइन का सभी मूर्तिकारों ने पालन किया है। 6 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया। मूर्तिकारों ने बताया कि इस वर्ष दाल रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इस वर्ष बेहद कम मुनाफा मिल पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की फसलें भी चौपट हो गई हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी उचित दाम पर ही माता जी की प्रतिमा बेची जाएगी, भले ही उन्हें ज़्यादा कीमत लगानी पड़ी हो। विदिशा से कैमरामैन सीताराम कुशवाहा के साथ आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार। इस बार जिस प्रकार कोरोना काल के चलते हुए और गृह मंत्रालय गाइडलाइन के तहत बड़ी बड़ी झांकियों पर रोक लगाई गई थी, पर अभी खोल दी गई दो दिन पहले, मगर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कोरोना काल के चलते इस बार काफ़ी सभी का जो भी धंधा है वो मंदा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। सामान ही महंगा आया हुआ, तो आप बताएं किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस बार आपको। सामान का तो ऐसा है, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है हम पहले से ही गणेश जी बनाते चले आ रहे हैं हमारे माता पिता के टाइम से, लेकिन इस बार जो कोरोना काल का जो समय जब आया तो ऐसा लगा कि मान लो रोजी रोटी से हम बिल्कुल क्लियर उधार रहे, और कोरोना के माध्यम से जैसे फिर हमने सरकार की जो गाइडलाइंस रही है उसके माध्यम से हमने काम किया, तो बड़े गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा सारी एक भी मूर्ति प्रतिमा नहीं गई, जिससे हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। लेकिन इसके बाद शासन की दोबारा से लॉकडाउन का जी नया आदेश आया, उसमें फिर प्रतिमा लगने का उसके आधार पर छोटी प्रतिमा बना रहे। तो इस बार लागत कैसी क्या रही आपकी झांकी बनाने लागत में? का कोरोना के माध्यम से अगर पूछा जाए तो हर चीज में 20-25% की बढ़ोतरी हुई है, और माल मिलना भी कुछ असंभव लग रहा है, बहुत जाती है, मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस बार झांकी अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर में भी इस बार फसल सबकी चौपट हुई है, तो आप किस प्रकार मैनेजमेंट करेंगे? क्या आपका धंधा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का क्या हो रहा है? किसका फोन आ रहा है? एक मिनट को फ्लैट मोड पे डाल देते ना, फ्लैट मोड पे डालो। हाँ जो हाँ जाइए दवा दो बस। कितनी हो पाई रिकॉर्डिंग? हुई थी एक मिनट से ऊपर हुई थी। चलो दो कर दो, अलग अलग बाहर कर दो। ठीक है, चलो बंद कर दें। बंद करो।